नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बात करते हैं सटई की। यहां के उड़ेनिया पूर्वा की खबर हमने दो दिन पहले बताई थी कि यहां स्कूल का निरीक्षण किया गया, लेकिन वहां पर ताला मिला, शिक्षक नदारद थे। अब बात कर लेते हैं गांव की। गांव में शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं का पूरी तरीके से अभाव है। ना तो सीसी रोड है, ना नाली है, ना पक्की सड़कें हैं। यही वजह है कि बरसात के मौसम में लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी लोगों को नहीं मिल पा रहा। गांव के ही कलुआ कुशवाहा ने बताया कि रोजगार सहायक ने उसके भाई से 2000 रुपए लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए थे। रोजगार सहायक और रोजगार सचिवों पर लगातार ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये न तो सुविधाओं का लाभ देते हैं और रिश्वत लेने के बावजूद भी काम नहीं किया जा रहा। हमारा नाम काली। कहाँ की रहने वाली हो? सब देख गए थे, कुछ न साधन आ रही है, कुटी आ रही है, परेशानी हर एक चीज में। कहाँ से मिली कुटी? दिखाती नहीं आपको? यही तो परेशानी है, सब चीज की है। पशु आउते ही नहीं है। शासन की कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा आप लोगों को? कुछ नहीं मिलता। ये देखा था, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, यहाँ ना कुटी आई है, ना कोई राशन पानी मिलता है। तो कुटी के लिए आपने सरपंच से नहीं बोला? बोला है, सुबह कह रहा है हो जाएगा हो जाएगा। हमारे यहाँ पूरी पूरी समस्या है जी। यहाँ पे ना कोई कुटी उटी है जी, क्या कोई सुविधा ही नहीं है, ना कोई सीसी है हमारे यहाँ पे। कुटी के लिए हम लोग सरपंच सेक्रेटरी से कई बार कह चुके हैं, तो वो यहाँ कोई सुनता ही नहीं हम लोग। क्या कहते हैं वो, क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि हो जाएगा, और कुछ होता ही नहीं। हमें तो पूरी पूरी ना राशन पानी कुछ मिल रहा है। अच्छा है, ना सीसी डाली। वो कुटी की चर्चा कही थी तो हमने मुँह पे तो नहीं कही, लेकिन कहते 20,000 जमा करो जब कुटी मिले। किसने कहा था? सेक्रेटरी साहब। अच्छा, मतलब खबर पहुँचाई दी आपके पास। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।